ये वाला पार्ट हमने एक लगाया था कि भाई हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे और बाकी उसके साथ ऐड करके एक एक सिमिलैरिटी से, है ना, एक जैसे, है ना, समान पद कर यस सर करके और जी उसको लिख देते थे। जी क्लियर है ना मेरे को यहाँ पे? यस सर चलो यस अब सर ये जरा लगाओ। दिख रहा है सब दोनों बच्चों? यस सर हाँ चलो करो बेटा इसको लगाओ, क्योंकि अब थ्योरी का गेम ज्यादा नहीं है हमारा, थ्योरी हम पढ़ चुके, ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके पैकेज से हैं जो आपको मिला हुआ है। और तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, एक टेस्ट लगाऊंगा मैं इसके बाद आपका, चैप्टर जब एंड होगा अपना तो टेस्ट लगाते हैं, 20 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, यस 20 या 30 क्वेश्चंस का। सर आ गया आ गया अपना ये? हाँ जी। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना हो इसके बारे में तो बिना कोई सोचे आप बिल्कुल बोल सकते हैं। नो सर हाँ चलो मैं फिर भी एक काम ले लेता हूँ अपना, कि भैया यहाँ 10a-b यस का सर चाहो तो आप ए प्लस बी बता ए माइनस बी फॉर्मूला होता है अपना, होता है ना, यस सर उसे लगा लेंगे और 10π/4 जो वैल्यू यूज करनी है वो मेरे को 1 लगा देना है, बता दो सर और 10, और -1 हाँ इसको मैं क्या लगा दूंगा भाई, -1 बस इतना काम है, और वो अपने आप कट जाते हैं, रेसिप्रोकल्स उल्टे होते हैं ना, जो उल्टे लिखे होते हैं वो कट जाते हैं। एक माइनस यस आ गया ना समझ में अपन को? सर यहां फोकस करना, ए प्लस बी की बात, और 10a-10 भी दिया हुआ है, इस टाइप का हम कर चुके हैं वैसे अपना। यस सर चलो लगाओ जल्दी से। π/4 एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपको यूज करना है 10a+b इक्वल टू, 10a+10b अपॉन 1 - 10a10b गुड, वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन के कट के होने ना बाद होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात होती है क्या मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि देखो होना ना होना तो डिपेंड करता है मेरे कैलकुलेशंस पे, कई बार गलत कर देता हूँ, है ना, लेकिन यस लेकिन एक ही लुक में विद इन 10 सेकेंड आपका माइंड ये रिस्पॉन्ड कर दे कि ये क्वेश्चन ही ऐसे होना, तो मजा है, समझ रहे हो ना बच्चों? यस चलो सर वो तो आगे मैं बढ़ो। भी सर समझ रहा हूँ लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा स्लो हो रही है सर। हाँ मैंने वही बोला अभी, अब मेरी बात आप समझा समझो करो, कि यस होना ना सर होना अलग चीज है, मेरी कैलकुलेशन स्लो है, मैं हो सकता थोड़ा पिछड़ जाऊं उस चीज, यस सर लेकिन लेकिन सबसे पहला तो काम ये है ना कि क्वेश्चन समझ तो आए, है ना। यस सर जी तो सबको समझाने के बाद स्पीड भी होनी जरूरी है ना, हाँ होना ना होना दूसरी स्पीड चीज भी है, मैटर अप्रोच करती है। करना यस दूसरी चीज, ठीक है। सर अब ये जो समझ आ गया, ये आपका दिमाग और ये जो आप चीजें पढ़ रहे हैं इसका फर्क होगा, और वो जो आप स्लो या मतलब फास्ट है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड, समझ गए? सर मतलब एक एंड है जो हमारा आपका दोनों का कोऑर्डिनेशन है, वो है समझ आना और ना आना क्वेश्चन को, ठीक है, और एक है यस सर मेरी स्पीड कम या ज्यादा है, दैट इज टोटली योर पार्ट, ठीक है, अपनी मेहनत बढ़ाओ, लगे रहो लगे रहो, एक टाइम ऐसा आएगा, आप ध्यान है ना जब छोटा बच्चा होता है तो टेबल सिखाते हैं उसको चाटे लगा लगा कर, और जैसे ही जी वो 2, 4, 6, 10 दिन, महीने, 20 दिन पढ़ता है उन चीजों को, या 1 महीने 2 महीने, वो फटाफट फटाफट बोलने लग जाता है, दैट जी इज सर प्रैक्टिस, है ना, वो रटना नहीं है वो प्रैक्टिस है, क्योंकि उसने एक यस सर ही चीज को बहुत बार किया, ठीक है। जी जी चलो चलो आगे बढ़ जाओ ना, मैं अब तो यस सर ये फॉर्मूले ट्वाइस को लेकर के थे, अब इसमें फंसाता कौन है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये वाला फंसाता है, सही है, सर
हाँ, इसको स्पेशल अटेंशन, इसको बोलते हैं स्पेशल अटेंशन उस चीज की जिस पे मैं फंसता हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन ना कई बार फंसाता है, मतलब फॉर्मूला, तो इसे स्पेशली ध्यान रखेंगे हम। दोनों साइन का केस है, ठीक है? अपने स्क्रीनशॉट बनाते रहो, वैसे तो कंटेंट है, अब ज्यादा जरूरत नहीं है, अब तो सॉल्यूशंस और उनपे हम हिंट वगैरह जो होते हैं उसके स्क्रीनशॉट लेने आप चले आगे। यस सर। हाँ, अभी इस चीज को अगर मैं ऐसे बोल दूं कि भाई ए प्लस बी को आप सी रख लीजिए, ठीक है, एंड ए माइनस बी को आप डी रख लीजिए, क्या ये मैं समझ पा रहा हूँ? यस सर। तो क्या मैं ऐसा मान लू कि अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो ये 2a इक्वल टू c प्लस d होगा? यस सर, इज इक्वल टू c, राइट। तो a क्या बना भाई अपन लोगों का? c प्लस d बाय 2। क्या कहते हो? यस सर। आया मजा ना? देखो अब ऐसे मजा आ गया है ना, ऐसे ही मैं b भी निकाल सकता हूँ। c माइनस d अपॉन C माइनस ए अपॉन C माइनस ए, वो यार कहाँ से आया भैया? C माइनस C माइनस तो D। हाँ, C माइनस D, यस यस यस, होता है, मेरे से हो जाता है। अब क्या मैं मान लू कि ये जो ए बी है उन्हें वापसी इन्हीं में रख दो तो फिर से चार टाइप बनेंगी अपनी? यस yes, सर। भाई ये तो हो गया देखो C, ये बन गया D, और ये क्या बना? साइन D। ये बना C प्लस D अपॉन 2, है ना? डिवाइड, क्या कहते हो, बन जाएगा ना ऐसे सभी? यस सर। यस सर, साफ साफ। यस सर। तो इस तरीके से मैं इन्हें चेंज कर दूंगा, और वो चेंजेस कहाँ आने वाले हैं? ये आने वाले, देखो आगे अपन के चेंजेस। यस सर। देखो ये सीडी वाले चेंजेस बन गए, ठीक है, और ये ए के प्लेस पे था और ये बी, ये ए था लास्ट टाइम और ये बी था, ठीक है ना बेटा? यस सर। चले आगे। यस सर। सर एक बार सर इससे पिछले वाला बता दो सर प्लीज। लो, अभी आपको आपको ये फॉर्मूला तो दिख ही रहा होगा, टू साइन ए कॉस इक्वल टू, फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ बेटा अपना, यस सर जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यस सर। ये अपना दिखा मुझे? यस सर। अब इस फॉर्मूले को मैं ए बी को चेंज करके लिखना चाह रहा हूं, जो ए बी को चेंज करने वाला वो ये है कि इसे तो कह दीजिए आप सी जी सर, और बेटा इसको बोल दीजिए आप डी। डी जी। क्लियर है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी हो गया अपना सी। यस सर, है ना, और ए माइनस बी हो गया अपना डी। जी सर। अब उनको जैसे ही ऐड करोगे बी कैंसिल हो जाएगा, बी कट जाएगा जोड़ने पर। यस सर। और इस तरफ सी प्लस डी और इधर टू ए बनने वाला है अपना। Yes, अब आगे की बात क्या रही भाई? आगे की बात रही कि a निकल गया है, अगर मैं इन्हें सबट्रैक्ट करूं, घटा दूं, घटाने पर a कटेंगे और 2 भी बनने वाला है। Yes, sir। और उधर c माइनस d होगा जब घटा रहा हूं, सबट्रैक्ट कर रहा हूं भाई। Yes, sir। तो अपना b बन गया। Yes, sir। Thank you, sir। जी सर। और वो वैल्यू यहाँ पे आप रख दो इनकी जगह, ये तो सी डी बन गए अपने, सी डी। यस सर। तो ये चीज चेंज ऐसे हो रही है, ये सी डी बन गए थे वो ऊपर वाले, और राइट साइड में ए बी की जगह ये आ गए थे। यस सर जी। अब क्लियर हूं मैं? यस सर। चलो आगे चल दूं क्या? यस सर। सर अब देखो एक टाइप का बताऊंगा, बाकी आप समझ जाया करना, इसी तरह से फॉलो, है ना? यस सर। हाँ सर, नेटवर्क गया था ना थोड़ा, इसलिए बोला सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, ये इशू रहता है, कल हमारे साथ भी बड़ा वो बार बार ब्लर हो रहा था, हमारे भी सर, जी सर। बड़े परेशान रहेगा। यस सर। चलो कोई नहीं, ये देखो इसको लगाना है आपको, और फॉर्मूला कौन सा है वो आप अभी पढ़ चुके हैं, लगाएं जरा इसको।
यस सर, ये प्रूव करना है अभी आप। यस सर, हो गया। अभी मेरी बात याद होगी तो यही वाले को बोला था मैंने कि इस पे बड़ा ध्यान रखना है मेरे को, ऊपर वाले को। 2 sin 5 theta sin theta हाँ, तो इस पे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने बच्चों का आ गया भाई? यस सर, आ गया। आज हमारी कोई बिटिया नहीं है क्या क्लास में? तो थीटा बराबर जीरो। सर थोड़ा समझा दो। अच्छा, समझा। थीटा बराबर जीरो। हाँ हाँ, ठीक है। देखो, ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos t माइनस cos d का। अभी अभी मैं पढ़ के आया, क्या था जल्दी बोलो। यस सर, जल्दी बोलेंगे बच्चों। साइन ए प्लस बी मतलब सी प्लस डी बाई टू। हाँ, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन ए प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई। कई बार क्या होता है, यहाँ माइनस लगा होता है और इसके प्लेस पे वो सी माइनस डी लिखते हैं। यस सर, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका जो फॉर्म है, ये देखो, ये लास्ट वाला है, ये देखो डी माइनस लिख रहा है आपको। यस सर, मैंने कहा था ना यही परेशान करता है लास्ट वाला। यस सर। हाँ, तो आप देख लो, ये मैंने दोनों चीजें सिखा दी। कई जगह क्या होता है, यहाँ माइनस लगा होगा और ये लिखा होगा सी माइनस डी, और अगर माइनस नहीं है तो डी माइनस सी। ये बेटा, यस सर। तो ऊपर वाला पार्ट क्या बनना चाहिए अपना, टू साइन, देखो सी प्लस डी फाइव थीटा, फाइव थीटा आया अपना, cos sin थीटा, sin थीटा, ये sin थीटा लेकिन नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि 4 माइनस 6 करने वाले हो आप। यस सर, उसको पॉजिटिव कर दीजिए उस माइनस साइन को। हाँ, माइनस आगे लेकर के sin थीटा बना लेते हैं अपना। नीचे की कहानी में किसी को परेशानी? सीधा सीधा अपना क्या है, जल्दी बोलो। 2 sin sin चलो आगे चलते क्या? यस सर। चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, दोबारा आपकी टेस्टिंग हो रही है दिमाग की, क्या आपको सीडी समझ में आई थी? सीडी अभी सीडी एप्लीकेशन था ये। ऊपर वाले को क्या लगाऊंगा मैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन डी। यस सर, तो उसमें कोस पहले आता है। यस सर, क्या मेरे को क्लियर हो गया ऊपर का पार्ट? यस सर। एंड नीचे नीचे अपना कोस ही लगने वाला है। यस सर, ये अपना तो निकल लिया भाई। यस सर, यस सर, आ गया। यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़ जाए। यस सर, तू तो बोलो, नहीं तो चलते हैं आगे। यस सर। चलो जी, फिर से सीडी की टेस्टिंग हो गया। यस सर, आ गया। टू को मिल लेगी, टू से टू बढ़ जाएगा। हाँ, इस बार ना दोनों बचने वाले हैं, पेयर बनेंगे सीधे सीधे, है ना? बचेगा तो उल्टा, लेकिन उसे कोट बोल दोगे आप लोग। यस सर। भाई सभी लोगों को क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर, सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। चलें आगे। यस सर। ये भी भाई है उसका।
यस सर यस सर ये कॉस है ऊपर नीचे दोनों ये कॉस का हो जाएगा यस 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 सर कॉस नीचे दोनों साइन तो ऊपर कॉस नीचे साइन तो कोट देता है अपन को यस सर है ना तो मुझे लगता है डाउट में कोई प्रॉब्लम है कोई मतलब कुछ है कोई कंफ्यूजन नो सर सर क्वेश्चन में नो डाउट आगे चल दे यस सर पक्का यस सर यस सर अब की बार थोड़ी सी बड़ी टेस्टिंग तो उसमें फोर फोर ए में से फिर टू ए घट जाएगा फिर टू बचेगा फिर टू भी घट जाएगा टू बचेगा वो कैंसिल होके टेन ए आ जाएगा टेन ए प्लस बी आ जाएगा ठीक है अप्रोच अच्छे आवाज कट रही है भाई किसी बंधु की किसी मित्र की ऐसा कुछ है ना विदाउट पेन कॉपी हाँ अब ये तभी पॉसिबल है जब आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट यस सर सब यहाँ स्टोर हो है ना यस सर चले आगे भाई यस सर चलो इसे लगाते हैं सर हो जाएगा ये भी यहाँ सबसे पहले आपको पेयर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जिनसे मैं सिंपलीफाई कर सकूं सही से यस सर ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे को लग रहा था कुछ ब्लर हुआ था क्या अभी थोड़ा सा हल्का सा हाँ मुझे फील आया ऐसा देख मैंने जैसे उधर देखा तो क्योंकि हम स्क्रीन पे देखते रहते हैं साथ साथ चलो तो मैं कौन से पेयर बनाऊं बेटा इसके कौन कौन से पेयर मुझे उठाने चाहिए कॉस 3 और कॉस 7 है ये दोनों एक साथ लेने चाहिए और ये दोनों एक साथ यस सर और फिर सीडी वाले रूल को अपना अप्लाई करते हैं यस सर तो इसके पेयर के बाद यूज क्या करना है सी एंड डी फॉर्मूला 5a वाला कॉमन आ जाएगा फिर उसके बाद अपना कॉमन बना लेते हैं है ना यस सर और कॉमन के बाद अगेन सी क्या कहते हो अगेन सी दो बार लगेगा क्योंकि कॉमन आने के बाद फिर से अंदर कुछ पंगा होने वाला है यस सर यस सर समझ में आया मुझे सब ये यस सर यस सर सर एक बार सॉल्व कर दो अच्छा सॉल्व करें इसको चलो लगाते हैं चलो भाई देखो मैं बेटा ऐसे लगा रहा हूं इनको एक साथ कि आप cos 3a प्लस cos 7a ये एक कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन जोड़ा बनाया अपन लोगों ने इनको लेकर के अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा नो सर चलो कॉम्बिनेशन डन अब एप्लीकेशन मैं डायरेक्ट लिखूंगा आप भी ऐसे ही करने की कोशिश करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच कर रहे हैं तो मैं लिखता हूं इसको 2 cos c plus d upon 2 मतलब 5 थीटा यस सर ठीक है और फिर c minus d upon 2 करूंगा तो cos 2 थीटा अब इसमें माइनस आता है तो cos minus थीटा plus cos थीटा होता है जो अपना मैं यहां लिख देता हूं जो अपना cos minus थीटा है वो cos थीटा रहता है इसीलिए माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको है ना अब इधर आ जाते हैं अपन जब इधर लगाओगे तो इधर क्या करोगे इसी तरीके से 2 cos 10 a आएगा 4 थीटा सर थीटा नहीं a पहले है ना और cos में कितना आने वाला है 5 a यहां पे क्लियर हूं मैं ये बात यस सर अब क्या मुझे साफ दिख रहा है कि cos 5 थीटा वाला पार्ट या 5a वाला पार्ट कॉमन हो रहा है अपना यस सर अब अंदर की चीजें कौन कौन आने वाली हैं cos 2a cos 10a
इन पे भी सी लग जाए। अब अपना फिर से सीडी एप्लीकेशन आ गया। यस सर। तो लगा लोगे बेटा अब तो मेरे को लगता है। यस सर। सर। चलो डायरेक्ट में कोई ना स्पेसिफिक प्लेयर बनाने की जरूरत नहीं है वैसे। भाई एक तो सिक्स से हो जाएगा ए प्लस बी वाला और माइनस वाला अपना फोर ए देगा। यस सर। यस सर। तो फोर फाइव सिक्स वाला केस बन गया ये वाला। यस सर। चले बेटा आगे। यस सर। सर। यस सर। लो जी देखते हैं किस किस को समझ आया। यस सर। ट्राई करो फिर आगे बात करते हैं इसको लेकर के। सर मल्टीप्लाई बाय टू इन बोथ साइड। यस मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड। इसको मैं ऐसे यूज करता हूँ। मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। यस सर। यस सर। टू साइन थीटा बाय साइन सेवन थीटा फोर थीटा। क्या कहते हो क्लियर है बात? यस यस सर। अब अपना लगा दो साइन ए साइन बी वाले टू साइन ए साइन बी। तो इसमें क्या लगेगा जरा बताएंगे। टू साइन ए साइन बी। यस सर। कॉस ए प्लस ए माइनस बी। बेटा ए माइनस बी पहले आता है फिर माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी याद है ना मैंने कहा था ये बड़ा परेशान करता है बच्चों को। यस सर। हाँ तो ये अपन लोग दोनों जगह जब लगा देंगे तो फिर वो कुछ पोर्शन तो कट जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। और कुछ पोर्शन कटने के बाद फिर सीडी एप्लीकेशन आ जाएगा आपका। यस सर। तो समझ में आ गया मेरे को। यस सर। यस सर। चलो तो छोड़ दो भाई। यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। जी सर। चलो जिन का आया इसे बताओ क्या लिखा आप लोगों ने। टू साइन टू ए फोर ए एंड कॉस कॉस टू ए टू ए। यस सर। और लास्ट में साइन टू साइन ए अपना ऐसे कैसे छोड़ दिया ये वाला। यस सर। समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस लगा के इसको एप्लीकेशन में लेके आना है। Yes, sir. इसका मैंने दो तरीके बताए थे याद है ना मेरे को। माइनस प्लस का भी गेम है ना इसमें तो। Yes, sir. तो क्या लिखोगे जल्दी बोलो अंदर बताओ ऐसे। टू टू साइन टू कॉस सी प्लस डी टू टू साइन सी प्लस डी by 2 upon 2 into तो ये तो यहां पे भी 2 2 आने थे ना। यस सर। 2 यस सर। हां वो भूल गए आप लोग बताया मुझे। सर बताया था मैंने आपने नहीं। अच्छा चलो कोई अब यहां पर दूसरा पार्ट भी तो आना है भाई। यस सर। दूसरा क्या आएगा sin c minus d c plus d minus c तो ये अपॉन टू ही बनेगा। यस सर। लेकिन माइनस आएगा ना। यस के साथ ये ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब बाहर कौन है एक कॉस है क्या मुझे ये सब चीजें क्लियर दिख रही हैं? यस सर। ये कितना बना अपना डायरेक्ट कैंसिल टू ए टू ए कितना आ गया ए ये फिर से अपना चेक करते हैं। टू ए अब आप देखो
सब चीजें सेम बन गई और नेगेटिव साइन भी अपना। यस सर। यस सर। तो डायरेक्ट ही कैंसिल होकर के बहुत बड़ी वाली जीरो आ रही है तो। यस सर। क्वेश्चन बड़ा है तो जीरो बड़ी आएगी ना। यस सर। हो गया। यस सर। किसी को परेशानी इसमें, डाउट? नो सर। चलो आगे चलते हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं है ऐसा? यस सर। है या नहीं है? ऐसे ही बोल रहे हो कि सर ने बोला तो होगा ही? सर है। लास्ट एक्सरसाइज में पहला या ऐसे कुछ क्वेश्चन है? पहला दूसरा ही तो चौथा है वो। अच्छा सबसे नीचे वाला है वो। चलो लगाओ इसको भाई बहुत जल्दी से। और ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं पता है ना? इसको वो खोल देगा लैम्बडा या डैश मार के छोड़ देगा, कहेगा इक्वल में क्या आएगा बताओ? वैल्यू। हाँ वैल्यू बताओ आप क्या आएगी, तो ऑप्शंस में होंगे वो। अब ये ऐसे तो बड़े आसान लगते हैं, जब ये एग्जाम में आते हैं तो समझ नहीं आता भाई ये क्या क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे सोचता है कि ये कुछ अलग ही होगा। यस सर। हाँ करो 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 लगाओ लगाओ। कॉस ए तुमको कॉस होना चाहिए। सही है सर, सही है। देखो इसके दो रास्ते हैं भाई, या तो मैं पहले को सॉल्व कर लूं। यस सर। अब अपना कुछ कैंसिल हो जाएगा, बाकी में सीडी अप्लाई हो जाएगा, है ना सर? या इस पार्ट पे सीडी डायरेक्ट ही अप्लाई कर दूं? यस सर। है ना, तो दोनों रास्तों से जो आपको बेहतर लगे कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री बन जाता है, याद है? यस सर। हाँ तो वो जो 90 डिग्री बन रहा है ना वो खतरनाक बनता है, वही गड़बड़ करेगा इसकी ना, जीरो बना देगा इसको। तो कैसे करना चाहिए? बेहतर तो ये है कि चाहो तो यहीं पे अप्लाई कर दो। बोलो जल्दी से इसे क्या अलग-अलग क्या करना चाहिए। cos 10 pi by 3 plus cos 4 pi by 13। हाँ तो cos a plus b गया ये तो। sin a plus b minus sin 2। और दूसरा आ गया आपके पास प्लस में cos a minus b तो by 2 भी है वहां पे। ये by 2 भी आ गया ऐसे क्यों? Yes sir। ऐसे आएंगे जी जी। गड़बड़ कर रहे हो। नहीं सर ऐसे नहीं होगा, 10 pi by 13 नहीं होगा सर, साइन में आएगा ना सर। 10 by 13 और 8 by 13। 10 pi by 13 और 8 pi by 13। हाँ तो ये तो देखो ना, पहले साइन लेना है कोस लेना है, ये बताओ भाई, ये गड़बड़ मत करवाओ। सर कोस ही कोस लेना है सर। देखो दोनों कोस हैं तो क्या करोगे? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी तो ये 10 आ गया ना, 10 पाई बाई 13। यस सर। तो वही तो उसका डिवाइड में इनटू इन कोस डिवाइड 8 पाई बाई 13। 8 पाई बाई 13। यस सर। सही कर रहे हो? यस yes, सर। कुछ घपला तो नहीं लग रहा? नो no, सर। देख लो सही है। अब क्या करोगे तो फिर? पाई बाई 10 पाई बाई 13 और कॉस 3 पाई बाई 13 को लेंगे सर, पेयर बनाएंगे पहले। तो इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ लोगे? यस सर। अब पता क्या होगा, पाई बाई 2 बनना चाहिए दोनों में। क्या बनना चाहिए? पाई बाई 2। और उससे क्या होगा भाई? सर जीरो हो जाएगा। हाँ 90 डिग्री पे जीरो बनेगा दोनों को, है ना? यस सर। तो दोनों जीरो आ जाएंगे ऐसे। यस सर। भाई क्या बोल रहे हैं?
भाई। आ रहा है समझ नहीं आ रहा भाई? यस आ रहा है, आ रहा है। चलो अब दूसरा मेथड भी ले, इन दोनों को आप डायरेक्ट लगाओ cos c cos t, ठीक है? तो by 2 तो आएंगे ही। यस सर। तो क्या लिखोगे? 2 cos c plus d upon 2 होगा 4 pi by 30। आएगा नहीं आएगा जल्दी बताओ? सर आएगा, है ना? और एक आएगा cos pi by 30, pi by 10, ठीक है? यस सर। अब इस कॉम्बिनेशन को आप ले लोगे दोनों को साथ, इन दोनों को एक साथ कर दो, कॉमन ले लोगे। क्या कर दोगे? कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आएगा cos pi by 13। और बेटा अंदर कौन बचेगा अपने पास? यहाँ तो 2 cos 2 भी बाहर आ ही जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा। अब इसमें जब सी डी एप्लीकेशन जाएगा तो पाई बाई 2 बन जाएगा अपना एक, और उसकी वजह से यहाँ से बन जाएगी अपनी 0, ठीक है? तो दोनों रास्ते देख लिए मैंने जाने के। यस सर। चले आगे? यस सर। यस सर। हमने अभी जो फॉर्मूले पढ़े थे वो याद होगा, ऐसे वाले साइन ए प्लस बी, क्या था? साइन ए कॉस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर अगर b के प्लेस पे बराबर b के प्लेस पे a तो बन गया आएगा सर। यस सर। tan 2a इक्वल टू से यस सर। अब cos 2a जो है उसे भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि a प्लस a लगा लो। a यस सर। यस सर। है ना? और sin स्क्वायर को फिर चेंज ले लो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x। यस बेटा यस बेटा यस बेटा। और यहाँ पर अपने को ले लो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूँ, बना सकता हूँ? यस सर। इसके लिए क्या करोगे? ए प्लस 2 ए प्लस ए। तो मतलब मुझे आते हैं, चलूं आगे? यस सर। ये जो है आपको ये बहुत ध्यान से याद रखने, क्वेश्चन डायरेक्ट लगते हैं इनपे, ठीक है ना बेटा? यस सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेन थीटा वाले फॉर्मूले लगा देंगे। यस, कॉस थीटा और साइन थीटा के जो आपके ये जो आपके पास चीजें हैं। यस सर। तो cos 2 थीटा को भी 10 थीटा में बोल देंगे, sin 2 थीटा को भी 10 थीटा में बोल देंगे, फिर 10 थीटा की वैल्यू रख देंगे। हाँ, हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं a, और cos 2 थीटा की जगह आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया अपना ऊपर का पार्ट, ठीक है? यस सर। यस सर। फिर अपना दूसरा पार्ट बनने वाला है 2 cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा को चेंज किया ना? ये जो फॉर्म है ना ये वाले बेटा, ये बदले गए हैं, ये पहले फॉर्मूले हुए ना, ये यहाँ पर है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूले है, देखो एक ये रहा अपने पास, एक ये रहा अपने पास, एक ये रहा, ओके सर, तो भी अपने ये वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है? यस सर। चले आगे? यस सर।
चलो जल्दी से कैलकुलेशन करके बता रहे हैं आप लोग कितना आने वाला है। A square minus B square upon A square upon A square plus B square upon A square, A square, A square has cancelled plus B into 2B upon A, A square plus B square divided by square cancel A square minus B square A plus B. सर आ गया ए बी सर ए क्यू अपॉन ए सर ए क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रिजल्ट बना प्लस टू ए बी स्क्वायर सर ये सर प्लस टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसी और का क्या है टू ए बी नहीं सर दोनों कंबाइन प्लस में आपका रिजल्ट क्या है टू ए बी माइनस बी क्यू प्लस है प्लस सर वो भी पहले वाला भी सेकंड वाला भी दोनों प्लस में सर अच्छा ये दोनों कंबाइन है बीच में पॉजिटिव साइन है सर यस सर ये एक ही है यस सर सर इसमें पहले वाला बीस माइनस बी स्क्वायर भी माइनस बी स्क्वायर भी है ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर यस सर ओके ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यस तो उसके साथ बी स्क्वायर के साथ ए भी है यस बी स्क्वायर के साथ ए भी है सर टू ए बी में जी सर यहाँ पे टू ए बी स्क्वायर यस सर अच्छा अब ये बना चलो और सब आंसर भी चेक कर सकते हो आप आपके पास पीडीएफ है ही सर 2ab square sir ab नहीं sir 2ab square ये वाला जी सर सर अच्छा देख लेना अपना ठीक है ना क्योंकि मेन इसमें कांसेप्ट था फॉर्मूले का एप्लीकेशन जी सर बाकी तो कैलकुलेशन का गेम रह गया कांसेप्ट है फॉर्मूला एप्लीकेशन और कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए तो वहां पे ना b square नहीं था जहां पे भाई ने बोला ना वहां b square ने a square होना था यहां पे सर पीछे पीछे सर चलो वो तो मैं तो माइनस हो गया आ जाएगा ना कोई बात नहीं मैं तो आपके रिजल्ट देख रहा था किसी का क्या आ रहा है क्या आ रहा है बस एक चीज ध्यान रखना हमारे पास कैलकुलेशन का समय ज्यादा नहीं होता है कैलकुलेशन के समय को कम करो आप ठीक है चले आगे भाई सर चलो लगाओ बहुत इजी है बहुत इजी यार सर एक ही स्टेप में ऊपर 2 sin a cos a नीचे 2 sin स्क्वायर है ये याद आया कुछ मैंने कई दो बार बता चुका हूँ कि इन्हें याद कर लो कि जैसे ही 1 plus cos 2 theta मिलता है 2 cos स्क्वायर theta और 1 minus cos 2 theta मिलता है तो 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर theta ये बिल्कुल वो कहते हैं ना बच्चों को रट लो है ना यस सर रटने का मतलब बिल्कुल अच्छे से याद कर यहाँ पर वही लगाना है कुछ नहीं है बहुत ही आसान आ गया सीधा लगाना है टाटा कीटी मचा देनी है ऊपर नीचे कैंसिल आ गया ना यस सर आगे बढ़ जाओ बेटा यस सर लो उससे भी आसान सर ये तो हो जाएगा सर यहाँ पे ऊपर एप्लीकेशन लगेगी वन माइनस टू साइन स्क्वायर सर लग गई ये सर हो गया सीधा सीधा लगा दिया लो तो थोड़ा सा दिमाग लगा सर सोचने का कुछ नहीं है माइनस कॉस स्क्वायर साइन और कॉस के फॉर्म में पहले बदल लेंगे दो रास्ते ध्यान रखना दो रास्ते हैं अपने यहाँ पे करो जरा दोनों रास्ते देखो कौन से होंगे पहले आप ट्राई करो फिर मैं हिंट दूंगा दोनों रास्तों के बताऊंगा कैसे करके एक रास्ता है से कोट को 1/10 ए लिख लो सिर्फ यस बस हो गया
एक रास्ता है अपना साइन ए अपॉन को से बना लेते हैं, उसमें चेंज कर देते हैं, साइन ए बना लेते हैं, उसके बाद अपना एलसीएम 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और अपना बन गया ये उल्टा 10, उल्टा वाला 10, रेसिप्रोकल वाला 10, ठीक है? यस सर, है ना? और cos टू थीटा माइनस वाला बनेगा, ठीक? यस सर, तो एक चीज मेरे को रास्ता एक साफ है मेरे लिए, ये समझ आ गया। अदर इज आपको ना tan a कुछ नहीं कर देना है, 1 अपॉन tan a बना देना है cot, and then we can take LCM, that is tan a and tan square a. अब मेरे पास tan 2a के लिए रास्ता क्या है? उल्टा है वैसे तो, ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, लेकिन रास्ता क्या है कि एक तो मेरे को 2 चाहिए, है ना सर? एक माइनस 2 ले लिया ना सर, एक माइनस और एक माइनस चाहिए, तो जैसे ये माइनस होगा यहाँ माइनस बनने वाला है, ये प्लस बनने वाला है, ये प्लस, यस सर, तो ये रास्ता भी अपना बढ़िया है, यस सर, यस सर। तो अपने को तो आंसर से मतलब है, रास्ता कोई भी सही, ऑब्जेक्टिव पे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर? यस सर, जी सर, सभी बच्चों को क्लियर हुआ भाई? यस सर, चलो आगे चल दूं, ये हम लगा चुके हैं सर, टू ए प्लस ए, कैसे ब्रेक करोगे इसको? ए को टू ए प्लस ए लगा के, टू ए प्लस ए, तो टेन थ्री ए को टेन टू ए प्लस ए लिखेंगे ना? हाँ, टू ए प्लस ए, थ्री आवाज निकाल, तो इसे इसे क्या करना था हम लोगों को? टेन थ्री ए को टू टेन टू ए प्लस ए, हाँ, इसको हम लोग लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक? और yes, इसके sir. बाद इसके बाद सबको मालूम है, इधर a प्लस बी का रूल अप्लाई कर दूंगा मैं और क्रॉस प्रोडक्ट करके एडजस्ट कर दूंगा, सही है बेटा? yes, जी सर, आ रहा है ना समझ क्या करना है हम लोगों को? यस सर, सीधा सीधा रास्ता tan a प्लस b माइनस tan a प्लस tan b, यस सर, और tan pi by 4 अपना 1, और उसके बाद एलसीएम, जी सर, और एलसीएम के बाद नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर a, मतलब tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सर, वो और ऊपर अपना बन जाएगा tan थीटा का टाइप, सही है? यस सर, कुछ गलत तो नहीं है इस क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है सर, उसमें ना थीटा माइनस पाई बाई फोर होना चाहिए। देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, हाँ ये वाला तो ठीक है, माइनस और इस तरह 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो उल्टे आ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ऐसे रेसिप्रोकल उल्टे फॉर्म है दोनों। अब आप एलसीएम ले लो, क्यों? एलसीएम लेते के साथ ही पीछे की कहानी तो मेरे को समझ आ गई, 1 माइनस tan स्क्वायर 6 और इस तरफ 1 प्लस tan का होल स्क्वायर बनेगा प्लस वाले का, और उस तरफ बनेगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाद भी दो रास्ते हैं, पता है मेरे को नहीं, यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं सॉल्व करने के आगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस बेटा, यस, वेरी गुड, a स्क्वायर तो अपना ये, और एक सीधे a प्लस b के होल स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, यस सर, यस सर, तो ऊपर वाला ट्रिक ये, हाँ, जल्दी जल्दी निकालना है ना हम लोगों को, तो ऐसी चीजें सोचनी पड़ती, यस सर, ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? यस सर, यस सर, ये मेरे को नहीं आता है, मैं देखता हूँ मेरे बच्चे में से फोन करके बताता है, मैं सीख रहा हूँ आज, yes, sir. तो मेरी सलाह है कि आप लोग उस जगह को सबसे पहले छोड़ो जहाँ टाइम वेस्ट होता है, या उस चीज को छोड़ो, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप, yes, हाँ हो गया सर, मेहनत करते तो व्हाट्सएप भी सही है ना, व्हाट्सएप पर्सनल वो होती,
नहीं नहीं होता ना टाइम सर, टाइम के साथ करना चाहिए ना उसे भी यूज, बिना उसके क्या करूंगा मेरे पास फिर से माइनस दो रास्ते हैं मेरे पास। एक रास्ता है जो बहुत आसान है, मैं ना ऊपर नीचे कर लेता हूँ। आया समझ टू करने पे क्या हो गया है? यस सर, फॉर्मूला बन गया सर। हाँ, जैसे ही तुम्हें टू साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो हम तो ये बात कर चुके हैं, मैंने बोला था बेटा रट लो माइनस कॉस है ना, बोला था ना यस सर। हाँ, जैसे ये लगाओगे तो देखो एक तो बनने वाला है वन माइनस कॉस टू ए, फिर दूसरा पार्ट माइनस वन माइनस कॉस टू ए टू बी, क्या कहते हो? यस सर, यस सर। और नीचे वाला कौन आया? देखो बड़ा बड़ा सिंपल बना दिया हम लोगों ने इसको, साइन टू ए माइनस साइन टू बी। बताओ कितना बच्चों वाला टाइप का बन गया, बड़ा इजी सा आ गया अपना निकल के, है ना? तो हट ही जाने वाले हैं आपके, हट रहे हैं ना वन तो, ब्रैकेट ओपन किया आपने निपट गए दोनों है? ऊपर की चीज cos 2b माइनस cos 2a, यस सर, है ना? और नीचे कौन है अपना? sin 2a और sin 2b। अब मुझे तो सीढ़ी वाली चीजें याद आ जाती हैं इसे देख करके। यस सर। तो कैसा लगा? बढ़िया शॉर्टकट ये, यस सर, अच्छा है। हाँ, ऐसी चीजों के स्क्रीनशॉट रखने चाहिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ऐसी चीजों के स्क्रीनशॉट रखने चाहिए आज खत्म। चलो इसको लगाओ, ये ब्लर तो नहीं दिख रहा, ठीक दिख रहा है ना? यस सर, ठीक है। यस सर, सर इसमें हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे। यस यस यस, ढूंढना है अपना जोड़े, ढूंढने जोड़े पेयर्स कहाँ पे एप्लीकेशन जाने वाला। यस सर, देखते हैं किस किस को समझ आता है जल्दी से कौन करते आप लोग अगली क्लास के लिए मेरे लिए तैयार रखेंगे कितने क्वेश्चन लगाए आज तक, ठीक है? सही है भाई, बता दोगे? यस सर। सही, इसकी नंबर कौन सी है? ये तो मैंने भी डाल रखे ना, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ, कितने करा दिया अब तक। यस सर, भाई 100 तो हमें कम से कम लगाने, 100 से ऊपर है बहुत। हाँ, नहीं हम तो हम प्रैक्टिस पे, मैं देखो मेरे पास तो थोड़ा सा क्राइटेरिया ना लिमिटेशन है मेरे, 100 तो हम लगाएंगे सर। आज 20 अप्रोक्सीमेट हो गए सर, अभी आज जो हुए सर लगभग लगभग। हाँ, और पहले भी हम 50-60 के आसपास लगा चुके, मेरे को याद सा है कुछ। यस सर, ज्यादा भी होगा कोई नहीं, कोई नहीं, लगाते हैं अभी तो, अभी अपने पास 2-3 क्लास हो रहे हैं, ठीक है? हो गया ये? यस सर। अब मैं इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से बताना चाहूंगा आपको, 1 माइनस कॉस थीटा जहां दिखे आपको क्या रखने को बोला था? टू साइन थीटा बाय 2। अब ये थीटा है तो वी विल यूज थीटा बाय 2 ना? यस सर, यस सर। एंड नीचे वाले पार्ट में मुझे 1 प्लस कॉस थीटा नजर आ रहा था, 2 कॉस स्क्वायर Yes, 2 cos square theta by theta by 2। और साइन को मुझे क्या यूज कर देना चाहिए अब ऐसे केस के लिए? 2 sin theta by 2 cos theta by 2 cos theta by 2 2 sin theta by 2 theta by 2 cos theta by 2 This is better sir, common लेके अब बस common लिया और अपना निपटा दिया सब ब्रैकेट तो और बाहर की चीजें, आपका आंसर है ना? यस सर, तो क्लियर हुआ सबको आराम से? यस सर। पढ़ना जरा ये क्या लिखा हुआ है,
मिनिमम वैल्यू मैं मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोटेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू ए बी तो इस पे बेस क्वेश्चन कराए इस पे ये सब ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट है उसका हां इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कलर चेंज कर लेते हैं या थोड़ा सा वैसा ले लेते हैं हम लोग देखो एक तो ये बहुत इस्तेमाल होता है बेटा ये जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है अब इसके अंदर एक और चीज है ये आप देख रहे हैं ये वाला टाइप यस सर मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से सुन पढ़ा है ना हम लोगों ने इनवर्स यस सर वहां मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि ऐसी चीज हमने पढ़ी थी कि जब तीन ट्रायंगुलर उनका सम मैक्सिमम वगैरह पूछा जाता है ना तो सारे एंगल इक्वल होते हैं क्या होते हैं सारे एंगल इक्वल लास्ट वाली लाइन पढ़ लो ये वाली देखो बोल दिया ना उसने है ना ए बी सी सारे एंगल क्या होने चाहिए ऐसे केस के लिए इक्वल होने चाहिए एक चीज दूसरी चीज जब भी साइन कोस टेन इस तरह के पूछे जाए मैक्सिमम वगैरह के लिए तो आप अपना ना डोमेन रेंज पे भी थोड़ा दिमाग लगा ले ठीक है Yes, sir. कि वो मैक्सिमम कितना होते हैं सही है ना बेटा yes, sir. तो क्वेश्चंस लगाने से यार मजा आता है बाकी तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं ना लोग तब हमें समझ आता है कि ये कैसे क्या हो गया तो वो फिर वो एक नई चीज बन जाती है ठीक है yes, sir. जहां एक एलिमिनेशन वर्ड यूज है एलिमिनेशन का मतलब होता है आपको हटानी है वो चीज क्या बोला उसने उसने कहा एलिमिनेट थीटा क्या करना है बेटा मेरे को एलिमिनेट थीटा हटाने अब रास्ते आपको ढूंढने पड़ेंगे थीटा हटाने के लिए आइडेंटिटीज क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ ठीक है चलो सोचो जरा इसको फिर थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ पहले आप सोच लो सर इससे पहले पेज का एक स्क्रीनशॉट लेना हो गया सर थैंक यू सर आगे कर दूं ना आप तो यस सर तो शायद आगे वाले क्वेश्चन में ना उन दोनों को ऐड करना जो x cos थीटा और x cos थीटा माइनस y sin थीटा c plus d वाला है शायद वो कॉन्सेप्ट उन दोनों को ऐड करके 2x सोच ले बेटा अभी अभी भी रास्ता बचा है मेरे पास cos आ जाएगा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा अच्छा सर सोचो मतलब मेरे को थीटा हटाना है उसके लिए आइडेंटिटी मैंने बोल दिया है कुछ आइडेंटिटीज जो होती है ना उनको यूज करना है हटाने के लिए सर बता दीजिए सर या तो ना साइन थी सर इनवर्स में आएगा नहीं इनवर्स अभी नहीं है मेरे बच्चों अभी हमने उसके लिए ज्यादा पढ़ा नहीं है तो आपने तो स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा लेकिन अभी हमने डिस्कस नहीं किया यस सर इनवर्स का रोल अभी नहीं है इसमें तो इनका कहीं मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं निकालना सर मैक्सिमम मिनिमम उसका जो क्योंकि यहां तो आपकी वर्डिंग साफ है ना थीटा हटाने के लिए बोल रहा है वो सोचो कुछ नहीं यार और कोई रास्ता चलो एक हिंट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है आप सोचो क्या कर सकता हूं ये पढ़ा है ना मैंने Yes, sir. इससे कोई चीज देखो बन सकती है क्या ऊपर से ये चीज कुछ लिंक हो सकती है क्या सोचो होल स्क्वायर करेंगे उन दोनों का दोनों का होल स्क्वायर और फिर ऐड कर देंगे फिर ऐड करेंगे अगर होल स्क्वायर करके ऐड करते हो यस सर अच्छा तो अभी भी फंस के रह जाओगे सोचो ऐसे एक एक स्टेप दो स्टेप दिमाग में करो स्क्वायर और सोचो क्या बनेगा विदाउट पेन है ना पेन को पी इस्तेमाल नहीं डायरेक्ट स्क्वायर करके अपने दिमाग में सोचो अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मेरे थीटा हट रहे हैं क्या नो सर नहीं हट रहे वो ऐसे आ जाएंगे 2x स्क्वायर cos स्क्वायर 2y स्क्वायर sin स्क्वायर ऐसे बन रहे हैं यस सर बन रहे ना अपने
हालांकि वो कट गए साइन वाई कॉस वाई ये कॉस एक्स ये कट रहे हैं लेकिन अभी ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कॉस साइन बच रहा है. यस सर. गुड. और चीज सोचो फिर सोचो कुछ रिकॉल करो. मैंने बोल दिया आइडेंटिटी यही लगानी है मुझे. मैं भी इसी से करके दिखाऊंगा. मैं यही चीज बनाऊंगा लेकिन बनाऊंगा कैसे वो सोच रहे. सर इसी के माइनस वाले से नहीं करा सकते x cos थीटा माइनस y sin थीटा से सर मल्टीप्लाई. ना ना फिर सर इतना बड़ा नहीं मल्टीप्लाई. अभी अभी के लिए मैं ऐसा कर दूं क्या इनको लिख लेता हूं. x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू c है. यस नो. यस सर. और एक मेरे पास है x cos थीटा माइनस y sin थीटा डी है. यस सर. अभी किसी ने बोला भी था कि ऐसे कर देते हैं तो क्या यहाँ से हम लोग निकाल नहीं सकते कॉस थीटा की वैल्यू. यस सर. यस सर. लेकिन वो अधूरी जानकारी थी ना. अब देखो कॉस थीटा पर वही तो बोल रहा था मैं. सर मैं तब से वही बोल. चलो ध्यान से है ना. अब मेरे पास कॉस बन गया. ठीक है. क्या क्या ऐसी चीज सब्ट्रैक्ट करके साइन के लिए नहीं आनी चाहिए. यस सर. तो वो आएगा साइन थीटा सी माइनस डी अपॉन टू वाई एक्स वाई आएगा. यस सर. यस सर. अब क्या ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन नहीं होते. मतलब ये चीज तो जाने वाली है यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे. क्या कहते हो. यस सर. आ रहा है समझ. अब हो जाएगा सर इससे आगे. हाँ तो इससे आगे बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्या इंटरेस्टिंग है पता है. बच्चे ना एलसीएम ले लो भाई. कुछ नहीं करना है. सीधा सीधा स्क्वायर लिख दो. आप लिख दो नीचे भी एलिमिनेट हो गया अपना थीटा. जिसका काम करना था वो कर दिया. बाकी आगे सॉल्यूशन पे ज्यादा नहीं जाना. ठीक है. यस सर. एक काम कर सकते हैं कि वो जो टू मेरा नीचे एलसीएम बन रहा है फोर होगा स्क्वायर की वजह से फोर होगा उसको वन की तरफ यहाँ वन की तरफ आप फोर लिख सकते हैं बस. बाकी मत छेड़ा छाड़ी करना फंस जाओगे. ठीक है. यस सर. यस सर. चलो अब दूसरे वाले की कहानी बताओ. तो दूसरे वाला इससे भी अच्छे वाला. इसमें तो स्क्वायर करके ऐड करके हो जाएगा. यस yes, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करके इस बार ना क्रॉस दे दिए उन्होंने. अच्छा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर. हाँ इस बार क्रॉस चीजें हैं दोनों कि भाई जो यहाँ ए कॉस थीटा है वहाँ बी साइन बी कॉस थीटा है. यस यस सर. जैसे स्क्वायर करोगे है ना. आ रहा है ना अपना. यस सर. चलो लिख दो स्क्वायर और ऐड कर दो इसको पटाक से लगा दो जल्दी जल्दी. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. हाँ कुछ बुक्स में ना ये पी क्यू करके भी होता है तो अपन लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होता. वो पी क्यू दें एक्स वाई दें ए बी दें है ना. चले आगे बेटा. यस सर. यस सर. अभी तक हमने ना मैक्सिमम मिनिमम वाले कुछ पढ़े थे. यस सर. नो तो एक दे दिया और ऐसा कर भी चुके हैं हम एक माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 इसको जो है यार तो कर सकते गड़बड़ कर दिया. नो सर ये नहीं है. हाँ वो जो एप्लीकेशन आपने लगा दिया ना वो ये इस चीज के लिए होता है बच्चे. ठीक है सर. वन नहीं सर. टू है. टू इसका आंसर. बुकलेट में देख लिया क्या. सर नो सर नहीं देगा सर सच में सर. हाँ ठीक है फेथ विश्वास है भाई ट्रस्ट है भाई. चलो देखो क्या करना चाहिए. करना क्या चाहिए जल्दी बताएंगे जरा इसको. मैं ऐसा कर देता हूँ. मैं टू एक साथ करके इसको ऐसे लिख लेता हूँ. पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बना लूंगा
और प्लस में छोड़ दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कहते हो? यस यस, है ना। तो अब ये वन होने के बाद ये टू इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर बना अपना, अब ये स्क्वायर है। अब कहता अगर वो मुझसे यहां पर कि भाई मैक्सिमम बताओ, क्या बताओ? मैक्सिमम, मैक्सिमम बताओ, तो ये वाली वैल्यू अपन लोगों को वन रख देनी थी, थ्री जीरो नहीं, मैक्सिमम के लिए वन रखूंगा ना कॉस स्क्वायर की वैल्यू, थ्री, तो मैक्सिमम वैल्यू तो बन जाती थ्री। अब उसने पूछा मिनिमम, यस सर, मिनिमम के लिए ये वैल्यू जो होगी, मिनिमम के लिए ये वैल्यू होगी जीरो इज इक्वल टू टू। हाँ, तो मिनिमम वैल्यू क्या बन के आई अपनी? टू। आपको केवन की वैल्यू दी हुई थी ना? Yes. इसमें ना हमने बहुत ही चालाकी से एड सब्ट्रैक्शन लगा दिए। ये देखो एड सब्ट्रैक्ट हो गया ये, yes, sir. इसे बोलते हैं एडजस्ट करना, है ना, और एक ये कर दिया अपना, yes, sir. टेन थीटा, समझ रहे हो? yes, sir. Yes, sir. अब इनके पेयर उठाओ, ऐसा कुछ याद है कि एक जगह से पढ़ा था हम लोगों ने टी वन करके? yes, sir. Yes, sir. उसको साइन कोस तोड़ोगे ऐसा बनेगा? yes. Yes, sir. वो सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा? yes, sir. इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन उठा लो, अब आप इसको भी करेंगे। भाई तीन कॉम्बिनेशन है ना अपने पास यहाँ पे, ये देखो, एक मिनट मैं कलर ले लेता हूँ। देखो एक कॉम्बिनेशन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीन है ना? yes, sir. Yes, sir. सबसे छोटे वाले पे ना, सबसे छोटे वाले पे ट्राई कर दिया मैंने, सबसे छोटे पे ट्राई करके देख लिया, ये बन गया, ठीक है? yes, sir. ऐसे ही फिर आगे वालों पे, दोनों पे ट्राई मार दिया, बन गए अपने रिजल्ट्स। yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे टू कॉमन नजर आ रहा है, कितना कॉमन नजर आता है भाई? टू। तो देखो टू कॉमन लेने के बाद बाकी सब चीजें तो यही बन गई। yes, sir. Yes, sir. है ना, और ये चीज मुझे क्या दी हुई थी देखो? K2। तो आया ना मेरे को अब समझ? yes, sir. तो 2K2 हो गया। yes, sir. अब देखो देखने में बड़ा भयंकर है, लेकिन एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट किसके बिहाफ पे किया आपने? इनके बिहाफ, ये समझ रहे हो, ये जो चीजें आई हुई है। Yes, sir. Yes, sir. बनाने के लिए, इन्हें बनाने के लिए मैंने प्लस माइनस यूज किया, ठीक है? ओके सर, हाँ। तो अब बस आज यहीं पे हम, सोच रहा हूँ मैं छोड़ता हूँ।